गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नईम खान की जानिब से नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा के लीडरशिप में दरगाह रोड जलालवाड़ी पर ग्रैंड पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में बुजुर्ग नौजवान और खवातीन यहां मौजूद थे। लोकसभा इलेक्शन के चलते कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्णा डोडेमणि जी के लिए एमएलए कनीज फातिमा गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर दिन पैदल यात्रा, पब्लिक मीटिंग और ग्रुप मीटिंग के जरिए आवाम से मुलाकात कर मौजूदा सियासी हालात बयां कर कांग्रेस पार्टी को वोट करने की गुजारिश कर रही हैं। कल यानी 1 मई को कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान ने पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें खास मेहमान कांग्रेस राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन यहां तशरीफ लाए थे और साथ ही इस प्रोग्राम में एमएलए कनीज फातिमा, डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब, फराजुल इस्लाम, मजहर आलम खान, वाहिद अली फातेह खानी, अहमरुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, एडवोकेट वहाज बाबा, लाल अहमद सैद अली खान, सैयद अहमद, रियाज भटको, गौस मत्तेमोड, अयास खान, खुसरो जागीरदार, शेख महबूब अजीम शेख, अलामदार जैदी, उमर जुनेदी, रसूल अहमद और दीगर कांग्रेस लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। इस ग्रैंड पब्लिक मीटिंग में हजारों की तादाद में आवाम को जमा कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर तमाम कांग्रेस लीडर्स ने माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान की तारीफ कर अप्रिसिएट किया है। तमाम कांग्रेस लीडर्स ने इस मौके पर मौजूदा सियासी हालात पर मजीद क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये राह भले हो लंबी, ये राह भले तू भर हो, इस राह पे चलते चलते हमको गाते जाना है। जो भारत को मां माने वो साथ हमारे आए, आके चेहरे पे मुस्कान जगाने आए। सब अंधेरे भूल जाएंगे, सब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। सब अंधेरे भूल जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। न्याय जो मजदूर किसानों की मेहनत में रंग लाए, हर औरत के साथ चले, हर एक युवा के संग आए। न्याय जो भागीदारी का हर एक को अपनाए, पांच न्याय का परचम अपना गली गली लहराए। हम जुड़े और जुड़ जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। हम जुड़े और जुड़ जाएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। जन जन की बातें एक मन की बात के नीचे दबे नहीं, भारत माँ के बच्चे दानव दल के आगे झुके नहीं। संघर्षों की परिभाषाएं भविष्य को बदलाए, न्याय के पथ पर चलने वाले न्याय से पहले रुके नहीं। सब एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। सब एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। हम लोगों को समझना है कि ये इलेक्शन में सिर्फ दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास दो ही चीज है, हम या तो कांग्रेस के साथ का जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम वोट दें, या नहीं तो मोदी का जो एनडीए का गठबंधन है उसको वोट दें। हमारे पास चॉइस जब दो ही है, हम लोगों को हमारे लिए क्या जरूरत है, इस देश के लिए क्या जरूरत है, ये 400 पार ये लोग क्यों बार बार कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को समझ के हम लोग को वोट करना चाहिए। हम लोगों को फिर दोबारा हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा कि जिस शख्स को कांग्रेस पार्टी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाई है, उनके नाम पे राधा कृष्णा साहब को जो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनके नाम पे हम लोग जिता के भेजेंगे, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जिता के भेजेंगे, ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आने वाले दिनों में दिल्ली में अपना सर ऊंचा करके वो अपनी सियासत करें और साथ में राज्यसभा में उसी ताकत के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, गुलबर्गा की आवाम की जो ताकत है उस ताकत के बलबूते के साथ उसी तरह से राज्यसभा में आने वाले दिनों में वो गर्जा के वो अपनी बात रखें
आपकी हमारी पिछड़े वर्गों की, दलितों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की जो बात बनके इस देश की सबसे बड़ी आवाज बनके वो उभरे। प्रधानमंत्री, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया है प्रधानमंत्री द्वारा, ज्यादा बच्चे वाला कहा गया है, ये सब चीजें आप अपने जहन में बिठा कर रखें और इसका जवाब आपको 7 तारीख को मशीन में वोटिंग दबा कर के इस्तेमाल देना। जलालवाड़ी का जलाल देखना है तो वो पूरा जलाल वोटिंग के दिन 7 तारीख को। मैं सबसे पहले नईम खान साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। 2023 में भी उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी काफ़ी जवान है। आप लोगों को देख के ये समझ में आता है कि आप लोगों को कितनी फिक्र है आने वाले 7 तारीख की। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद भी है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इतने ऐसे हालात में भी आप लोगों ने मुझे जिताया था, जो कि मेरे खिलाफ बहुत साजिशें हो रही थी उसके बावजूद आप लोग मुझे जिता कर लाए हैं। इस बार तो हम इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर राधा कृष्ण साहब को जिताएंगे। अपने भैया 6 साल की उम्र में हिंदुस्तान भर में जो है ना, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी को जाकर तमाम जो है ना हिंदुस्तान में ये उम्र में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान भर में अमन शांति रखने के लिए। आज हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज हमको समझना है, क्योंकि आज हमारे जो है ना देश के जो है ना संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए आने वाले दिनों में जो है ना और हमारे ऊपर ऐसे कई चीजें आने वाले हैं, तो आप अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करना है। यही वो स्टेज है, यही वो जगह है जो पिछले लास्ट इलेक्शन में कई लोगों की नींद उड़ा चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, यहाँ से मोहतरमा ने कहा था मेरी आवाम वोटों से मेरा जवाब देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो वोटों से मोहतरमा को नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके बीच मोहतरमा बैठे हुए हैं। जब यहाँ के पायन के डब्बे, हमारे दरगाह के डब्बे और यहाँ के तमाम नए मोहल्ले के डब्बे खुले थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लीड मिली थी, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है यहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह लीड मिली है। नईम खान साहब ने यहाँ पर एक बेहतरीन जलसा रखे हैं। मैं नईम खान साहब को, उनकी तमाम टीम को, खुसरो जागीरदार साहब को और उनकी तमाम टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण साहब की खुसूसी बात यह है कि वो जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके रसूख बहुत अच्छे हैं उनके साथ। जब भी अगर यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब भी बेंगलुरु अगर खड़गे साहब के अगर घर जाते होंगे तो वहाँ पर आप राधा कृष्ण साहब आपको बिठा कर बात करते हैं, आपको बिठा कर क्या काम है, काम के बारे में पूछते हैं, और जब का जब फोन उठाकर फोन पे आपका काम करवा देते हैं। तो ऐसे हमारे राधा कृष्ण साहब हैं जो पावर में नहीं रहकर इतने सब काम करते थे। आज अगर यहाँ से हम लोग उनको MP बनाकर भेजते हैं तो आप सोचिए गुलबर्गे की कितनी तरक्की हो सकती है। ये फिरका परस्ती फैलाने वाली गवर्नमेंट और आपका यहाँ का जो चिंचोली का MP है, ये 5 साल में कभी आपके बीच नहीं आया। क्या आए, मैं आपसे एक सवाल कर, क्या वो आप लोगों के बीच आए? आप लोगों के साथ पूरी खमरुल इस्लाम की टीम हमेशा मौजूद, चाहे वो CAA NRC हो, कनिष्क फातिमा ने उसमें लीड लिया वो आपके बीच रही, कॉर्पोरेटर्स ने लीड लिया उनके साथ रहे, आपके साथ रहे, कांग्रेस के कायदीन आप लोगों के साथ रहे, खुलकर इसकी मुखालिफत की। CAA NRC अभी चल ही रहा था कि कोविड आता है, कोविड में भी आपका MP गायब, लेकिन वहां पर कांग्रेस का हर MLA अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद, कनिष्क फातिमा ने जो नुमाइंदगी अपनी बताई है कोविड में, जिस तरीके की मदद हुई है, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड लेने की हो, अनाज की हो, या आपके
इंजेक्शंस के बारे में हो, यहाँ से पेशेंट्स को दूसरे शहर ले जाने लाने के बारे में हो, मैयतों के बारे में हो, उन्होंने अपनी नुमाइंदगी की। लेकिन आपका चिंचोली का एमएलए एमपी कहीं मौजूद नहीं था। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हमने कहा और पिछले साल किया, जो कह रहे हैं, अगर आपके वोटों से, अगर आपकी दी हुई जीत से, आपकी दी हुई सीट से अगर हम सरकार बनाते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर वो भी 5 गारंटी और 25 गारंटी लागू करने की क्या काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आप तमाम लोगों से बार बार यही अपील है कि मुत्तहिद होना है, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। घर का हर एक अफराद जिसका वोटर आईडी है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको कहिए कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम अगर करना है तो हमारे फर्स्ट को अदा करना है जो कि पोलिंग का है। लोकसभा इलेक्शन 2024 का आज जलालवाड़ी दरगाह रोड पर एक अजीम-उश-शान जलसा रखा गया था। इसके मेहमान खुसूसी नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा एमपी और मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ और मुस्तफ़ा बाबा साहेब और फराजुल इस्लाम साहब, मज़हर खान साहब, तमाम लोग जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल रहकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। और कसीर तादाद में यहाँ पे आवाम आई थी, इसमें जो है ना हमारी माँ बहनें भी थी, बुजुर्ग और कई नौजवान और कई बुजुर्ग जो है ना हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आए थे। मैं उन तमाम लोगों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से जो है ना गुलबर्गी की आवाम से, शहर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि तमाम हिंदू मुस्लिम एक होकर एक सेकुलर पार्टी को लाए, एक सेकुलर लीडर को लाए। 5 साल से जो है ना यहाँ पे उमेश यादव एक सेंटर में जो है ना हुकूमत रहने के बावजूद भी आज तक एक ऐसा एक बड़ा कारनामा या बड़ा काम करके नहीं बताया है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम जानती है। तो आवाम को चाहिए कि जो है ना अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करे। इस देश भर में जो है ना अमन शांति रखना है, इस देश में जो है ना एक सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, इस देश के जो है ना संविधान को अगर बचाना है तो हमको एक सेकुलर पार्टी लाना है और वो एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है। खास करके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जो है ना मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपनी घर से, घर के 4 अगर अफराद हैं तो घर के 4 अफराद पूरे के पूरे जाकर जो है ना वोट डालें, वोट डालकर जो है ना एक सही सेकुलर पार्टी को, एक सेकुलर लीडर को जो है ना कामयाब बनाए। मैं राधा कृष्णा साहब के जो है ना बारे में कहूँगा कि एक सेकुलर लीडर और एक अच्छा लीडर और एक डिसिप्लिन लीडर है। तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के सब कम्युनिटी के मिलकर एकजुट होकर जो है ना यहाँ से फिरका परस्त पार्टी को एक मुँह तोड़ जवाब देना है और यहाँ पर राधा कृष्णा साहब को जिताना है। इंशाल्लाह आवाम में भी जोश बहुत है कि अब की बार जो है ना हिंदुस्तान भर में इंडिया गठबंधन को कामयाब करने के लिए बेचैन है। इंशाल्लाह अब की बार जो है ना इंडिया गठबंधन की जीत होगी, राधा कृष्णा साहब की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी।